Yeah, hi students. This is next class, class 10th economics. In the last class, we discussed about the economic sectors. अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के हमने डिस्कस किया है इन द लास्ट लेक्चर. तो आगे हम लोग इसमें काम करते हैं. थोड़ा सा पीछे का हम लोग बात करें कि हमने कल क्या डिस्कस किया था. हमने डिस्कस किया था कि देर आर थ्री पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी. सेक्टर वाइज इकोनॉमिक्स को अगर हम डिवाइड करें तो सेक्टर वाइज अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक्स को तो तीन तरह से हम लोग डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में. वो कौन से तीन पार्ट्स थे? नंबर एक था प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर. दूसरा कौन सा था? सेकेंडरी सेक्टर. ये हमारा कल की वीडियो में डिस्कस हो चुका है. और तीसरा हमारा था सर्विस और टेरिटरी सेक्टर. ये तीन हमने डिस्कस किए थे. प्राइमरी में मैंने क्या बताया था आपको? जितना भी नेचुरल है, नेचुरल जितना भी प्रोडक्शन हमें प्राप्त होता है वो सारा किस में आ जाता है? प्राइमरी सेक्टर में, जिसमें एग्रीकल्चर है, फिशिंग है, प्लांट्स हैं, मिल्क है. तो ये सारा किसके अंदर आ जाता है? ये प्राइमरी में. सेकेंडरी सेक्टर में मैंने क्या बताया था आपको? सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? सेकेंडरी सेक्टर में हमारा इंडस्ट्रीज आ जाती है. इंडस्ट्रीज की हम लोग बात करेंगे यहाँ सेकेंडरी सेक्टर में. जितना भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो सारा किस में आ जाएगा? सेकेंड सेक्टर में. मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज. तो इंडस्ट्रीज हैं, मिल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी किस में आ जाती है? सेकेंडरी सेक्टर में. तीसरा सर्विस सेक्टर. जितना भी सर्विस का है, चाहे वो सर्विस आपका टेलीकॉम हो, मोबाइल से रिलेटेड हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे हमारा कोई प्रोफेशनल सर्विसेज हो, जैसे टीचर्स की सर्विसेज हैं, प्रोफेशनल में आ जाता है. जैसे टीचर्स की सर्विसेज हम लोग ले सकते हैं, टीचर्स का है, एडवोकेट का है, चार्टेड अकाउंटेंट का है. तो ये सारा हमारा किस में आ जाता है? ये हमारा सर्विस सेक्टर में आ जाता है. तो ये हम कल की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. अब हम यहां हमें आगे क्या डिस्कस करना है? यहां अब हमारा क्या डिस्कस होगा आज आज की वीडियो में? हम लोग इन सेक्टर्स को ना चार पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. ठीक है, इकोनॉमिक्स ने जो है इकोनॉमिकली तीन में डिवाइड है. ये एक पॉइंट से, एक एंगल से वो हमने किया है कि हमें वो रिसोर्सेज कहाँ से मिलता है. उस बेसिस पे हमने तीन किया. एक नेचुरल मिलता है, एक हम प्रोडक्शन करते हैं, एक सर्विसेज होता है. अब हम इसको ज्योग्राफिकली डिवाइड करेंगे इन फोर पार्ट्स. और उसको भी हम दो तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स. एक हमारा होगा थ्री सेक्टर मॉडल. थ्री सेक्टर मॉडल और एक हमारा होगा फोर सेक्टर्स मॉडल. फोर सेक्टर मॉडल. थ्री सेक्टर मॉडल में क्या होगा और फोर में क्या होगा? बड़ा सिंपल है. थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर हमारे तीन जो डोमेस्टिक हैं उनको हम लोग इंक्लूड करेंगे. मैं ये बता देता हूं, यहां थ्री में आएंगे हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड सेक्टर में कौन आता है? सभी कस्टमर्स, आप, हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर में इंक्लूड किए जाएंगे. दूसरा आता है बिजनेस सेक्टर. बिजनेस सेक्टर में जितनी इंडस्ट्रीज हैं, फैक्ट्री हैं, जो प्रोडक्शन बना के देती हैं वो इंक्लूड की जाती है. तीसरे में आ जाता है गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें गवर्नमेंट की सर्विसेज आ जाती हैं. गवर्नमेंट में जो लोग इम्प्लॉई हैं, जॉब करते हैं, या गवर्नमेंट जो प्रोडक्शन करती है, या गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, वो आते हैं इसमें. तो अगर ये तीन है, यानी कि हाउस होल्ड है, बिजनेस है, गवर्नमेंट है, तो ये आपका कहलाएगा थ्री सेक्टर मॉडल. थ्री और फोर में क्या डिफरेंस है? थ्री और फोर में केवल इतना डिफरेंस है कि इसमें एक सेक्टर और ऐड हो जाता है. ये तीनों तो होंगे, इसमें एक और ऐड हो जाएगा और वो कौन सा होगा? फॉरेन सेक्टर. फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर अगर हम लोग हिंदी में इसकी बात करें तो ये हमारा हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, यानी कि घरेलू क्षेत्र. ये हमारा हो गया व्यापार क्षेत्र. और गवर्नमेंट हमारा हो गया सरकारी क्षेत्र.
और ये हमारा फॉरेन सेक्टर हो गया विदेश क्षेत्र। तो हम लोग दोनों क्लास के बच्चों के लिए बात कर रहे हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम। चार सेक्टर मॉडल होंगे, चार क्षेत्रीय चक्कर, इसको अगर आप हिंदी में बात करें तो तीन चक्रीय सेक्टर मॉडल, ये चार चक्रीय सेक्टर मॉडल। तो हमें अब डिस्कस करना है कि जो तीन या चार हैं, पहले हम लोग चाहे तीन लेके चलें या एक साथ हम चार का डिस्कस भी कर लेंगे, ये एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं, एक दूसरे को क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं या एक को दूसरे से क्या रिसीव होता है, तो वो हम लोग यहां डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर। तीनों का हमें एक डायग्राम बनाना होगा, यहां मैं डायग्राम बनाता हूं, मैं इंग्लिश में लिख के चलूंगा, आप लोगों को बता दिया है कौन सा क्या है। जैसे ये हमारा हो गया हाउस होल्ड सेक्टर, जिसको आप बोल सकते हैं घरेलू। दूसरा मैंने यहां बना दिया बिजनेस सेक्टर, इसको आप कह सकते हैं व्यापार क्षेत्र। तीसरा मैंने यहां बना दिया गवर्नमेंट सेक्टर, जिसको आप बोल सकते हैं सरकारी क्षेत्र। तो ये सरकारी हो गया तीन। अभी हम फोर्थ को नहीं लेके चल रहे, हम लोग अभी थ्री मॉडल पे बात कर रहे हैं, फिर फोर्थ को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि हाउस होल्ड बिजनेस सेक्टर पे कैसे डिपेंड करता है, बिजनेस हाउस होल्ड पे कैसे करता है, हाउस होल्ड गवर्नमेंट पे कैसे करता है, गवर्नमेंट हाउस होल्ड पे कैसे डिपेंड करता है, बिजनेस गवर्नमेंट पे कैसे करता है, गवर्नमेंट बिजनेस पे कैसे करता है। तो तीनों को इंटर रिलेटेड हमें एक दूसरे से दिखाना है। हाउस होल्ड का, बिजनेस का अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा कि हम हाउस होल्ड में क्या करते हैं, हम लोग फैक्ट्री इंडस्ट्री के अंदर जॉब करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं, हम ही लोग काम करते हैं बिजनेस के अंदर, फैक्ट्री के अंदर, कारखाने के अंदर, मिल के अंदर, कंपनी के अंदर, और उस सर्विस के बदले हमें क्या मिलता है, हमें उसके बदले पेमेंट ऑफ सर्विसेज मिलता है, उस सर्विस का पेमेंट, जो सैलरी मिलती है अगर हम काम करते हैं, पेमेंट ऑफ सर्विसेज। दूसरा बिजनेस सेक्टर हमें प्रोडक्शन देता है, गुड्स देता है, हम सर्विसेज देते हैं वो हमें गुड्स देता है, गुड्स जितना भी हमारे घर में, चाहे वो आप शैम्पू है, साबुन है, सर्फ है, बिस्किट है, भुजिया है, आप फर्नीचर है, इलेक्ट्रिकल आइटम्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हैं, जितने भी हमारे घर में आइटम्स हैं, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, इसे वो हमें कहाँ से मिलता है, उसका प्रोडक्शन कौन करता है, बिजनेस करता है, वो हमें मिलता है और हम उसके बदले क्या करते हैं, हम उसके बदले उसका पेमेंट करते हैं। आप एसी परचेज करके लाए तो उसका पेमेंट करके आएंगे, आपने टीवी परचेज किया आप उसका पेमेंट करेंगे, आपने कूलर परचेज किया है, आपने मोबाइल परचेज किया है आप उसका पेमेंट करेंगे। तो ये यूं काम करता है, यानी कि हम सर्विसेज देते हैं और वो सर्विस के बदले उसका हमें पेमेंट देता है, हम गुड्स परचेज करते हैं उसके बदले हमें गुड्स का पेमेंट मिल जाता है। तो ये रिलेशनशिप हो गया बिटवीन द हाउस होल्ड सेक्टर एंड द बिजनेस सेक्टर। अब हम बात करते हैं हाउस होल्ड और गवर्नमेंट सेक्टर की। हाउस होल्ड सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, हमें से बहुत के पेरेंट्स गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, तो हम सर्विस करते हैं तो बदले में सैलरी मिलती है उस सर्विस की, तो पेमेंट ऑफ सर्विसेज। और क्या गवर्नमेंट हमारे यहाँ सर्विस करती है हाउस होल्ड में, क्या गवर्नमेंट कोई मेरे घर जॉब करती है, नहीं, मैं गवर्नमेंट जॉब कर सकता हूँ, गवर्नमेंट मेरे जॉब नहीं करती। और हम कुछ गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से प्रोडक्शन भी परचेज करते हैं, जैसे बिजली हम गवर्नमेंट से लेते हैं तो प्रोडक्ट्स, और अगर हम बिजली लेते हैं तो क्या करते हैं, उस बिजली का, उस इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग पेमेंट करते हैं, यानी कि जो आपने एक सेक्टर से दूसरे में परचेज किया है आपने उसका पेमेंट भी रिवर्स साइड में दिखाना होगा। तो ये सरकारी क्षेत्र है, ये घरेलू क्षेत्र है, ये व्यापार क्षेत्र है, और आपने सेवाएं ली तो सेवाओं का पेमेंट, आपने प्रोडक्ट्स लिए, उत्पादन लिया तो आपको उत्पादन का पेमेंट करना होगा, हिंदी में अगर हम इसको समझें। अब गवर्नमेंट और बिजनेस का क्या है, एक और आएगा, हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं और गवर्नमेंट हमें पब्लिक फैसिलिटीज देता है,
जैसे हम टैक्स देते हैं तो बदले में गवर्नमेंट हमें पानी दे रहा है, गवर्नमेंट हमें बिजली दे रहा है, हमें पुलिस की सेवाएं दे रहा है, हमें फौज की सेवाएं देता है, हमें हॉस्पिटल्स देता है, मेडिकल फैसिलिटीज देता है, गवर्नमेंट स्कूल्स के थ्रू हमें गवर्नमेंट एजुकेशन देता है, तो हम टैक्स देते हैं, बदले में हमें गवर्नमेंट से गवर्नमेंट सर्विसेज मिलती हैं। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर और बिजनेस सेक्टर की। गवर्नमेंट और बिजनेस में देखिए, गवर्नमेंट तो टैक्स देगा नहीं बिजनेस को, बिजनेस ही गवर्नमेंट को टैक्स देता है, टैक्स। और गवर्नमेंट बिजनेस को क्या देता है, उसके अपोजिट सब्सिडीज, यानी कि उसको छूट देता है। हिंदी में अगर हम बात करें, छूट देता है और ये उसको कर देता है। दूसरा, गवर्नमेंट जैसे स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, वो भी आइटम्स तो परचेज करते ही हैं, गुड्स वो परचेज करते हैं बिजनेस सेक्टर से, वो बिजनेस सेक्टर से सॉरी बिजनेस सेक्टर से परचेज करते हैं उत्पादन, या आप कह सकते हैं गुड्स। अब गुड्स परचेज करेंगे तो बदले में गवर्नमेंट क्या करेगा, पेमेंट भी करेगा उसका, पेमेंट ऑफ गुड्स उत्पादन के बदले। अब बात सर्विसेज की करें तो ना तो गवर्नमेंट इंप्लॉय फैक्ट्री में काम करेगा, ना फैक्ट्री वाला गवर्नमेंट जॉब में काम करेगा, काम तो हाउस होल्ड वाला ही दोनों जगह करेगा, तो इसका हम रिलेशनशिप नहीं दिखाएंगे। तो अगर थ्री सेक्टर मॉडल की बात हो तो ये हमारा थ्री सेक्टर मॉडल तैयार हो गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाए फोर सेक्टर मॉडल, तो आप एक सेक्टर यहां और ऐड कर देंगे, फोर सेक्टर मॉडल बन जाएगा। वो फोर्थ चौथा है विदेशी, यहां मैं लिख देता हूं फॉरेन सेक्टर या विदेशी क्षेत्र। जो लोग हमारे फैमिली से बिलोंग करते हैं लेकिन आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, किसी दूसरे देश में रहते हैं, या जो वहां की जो पॉपुलेशन है वो हमारे देश से परचेज करती है कुछ, मतलब कहने का ये कि हमें ये दिखाना है कि हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट सेक्टर, इन तीनों का क्या रिलेशन है विद द फोर्थ वन, विदेशी और द फॉरेन सेक्टर। वन बाय वन करते हैं, हाउस होल्ड और विदेशी के डिस्कस करते हैं, घरेलू और विदेशी की। हम लोग जॉब करने विदेश में जाते हैं, हमारे बहुत से फैमिली मेंबर गए हुए हैं सर्विसेज। अब हम सर्विस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें सैलरी मिलेगी, तो ये इस तरफ एरो आ जाएगा, ये हो जाएगा सैलरी या पेमेंट ऑफ सर्विसेज, सैलरी लिख देता हूँ। और कोई, क्या विदेशी हमें टैक्स देते हैं, नहीं। क्या हम विदेशियों को टैक्स देते हैं, नहीं। हम प्रोडक्ट देते हैं, नहीं। क्या वो हमें प्रोडक्ट देते हैं, नहीं। तो ये हो गया बिजनेस और फॉरेन, हम विदेशों को गुड्स देते हैं तो उस गुड्स को क्या कहते हैं, एक्सपोर्ट, और ये एक्सपोर्ट का पेमेंट हो जाएगा, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट। आयात निर्यात की बात हम लोग कर रहे हैं, पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट। और विदेशी हमें अगर वस्तुएं हमारे बिजनेस को दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई मशीन आई है जिससे प्रोडक्शन होना है, विदेश से मशीन आई है, तो वो कहलाएगा इंपोर्ट, इसको हम हिंदी में आयात बोलते हैं, और एक्सपोर्ट को हम लोग निर्यात बोलते हैं। अगर विदेशों से मशीन आई है तो उसका पेमेंट विदेशों में जाएगा, पेमेंट फॉर इंपोर्ट। ये रिलेशन है बिटवीन बिजनेस एंड फॉरेन, ये रिलेशन है बिटवीन हाउस होल्ड एंड फॉरेन। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर की। तो इसमें आएगा फॉरेन सेक्टर, फॉरेन जॉब तो नहीं कर सकता कोई विदेशी, हमारी गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता, टैक्स का हो सकता है, ये टैक्स पे करेंगे जो विदेशी कंपनियां, एमएनसी कंपनी इंडिया में जॉब करती हैं, वो टैक्स देती हैं और सब्सिडीज लेती हैं गवर्नमेंट से। कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स जैसे हम लोग एविएशन सेक्टर में फाइटर प्लेन्स वगैरह विदेश से परचेज करते हैं, तो हम लोग विदेशों से कुछ टेक्नोलॉजी भी परचेज हमारी गवर्नमेंट करती है। जैसे अभी कोरोना काल में वो टेक्नोलॉजी परचेज की है, तो ये टेक्नोलॉजी परचेज होगी, और मेडिसिन भी परचेज हुई है, तो जो भी परचेज होगा उसका फिर पेमेंट कर दिया जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा। हिंदी में अगर आप बात करें तो पेमेंट हो गया भुगतान, टेक्नोलॉजी हो गई आपकी तकनीक, और टैक्स हम कर चुके हैं कर, और सब्सिडीज हमारा आ जाता है छूट। ठीक है, तो कहने का ये है कि ये मैंने एक आपको डायग्राम बना के बता दिया है, इसमें ये चीजें आ जाती हैं कि भाई कौन सेक्टर किस सेक्टर की कैसे मदद कर रहे हैं। तो यहाँ कल हमने ये डिस्कस किया था कौन किसको मदद करता है। अब
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का बढ़ता हुआ प्रभाव, ये क्या है? वर्ष 1973-74 और 2013-14 के बीच 40 इयर्स में आप अगर देखेंगे सबसे ज्यादा जो डेवलपमेंट हुई है वो किस सेक्टर के अंदर हुई है, वो प्रोडक्शन सेक्टर के, सॉरी सर्विस सेक्टर के अंदर हुई है, जो तीसरा सेक्टर है। यानी कि भारत, ये सच्चाई भी है स्टूडेंट्स, हम लोग इसको भी हटा रहे हैं। हमारे जो तीन सेक्टर हैं, प्राइमरी सेक्टर में जैसे नेचुरल आ जाता है, जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट हैं, सेकंड में हमारा मैन्युफैक्चरिंग आ जाता है, और तीसरे सेक्टर में हमारा सर्विसेज आ जाता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग 100 इयर्स बैक की बात करें तो केवल हमारा प्राइमरी सेक्टर चलता था, प्राथमिक क्षेत्र चलता था, हिंदी में हम इसको प्राथमिक कह सकते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट हुई कुछ साल पहले, और कुछ लगभग 80-90 इयर्स की मैं बात कर रहा हूँ, बल्कि 100 भी इसको भी हो चुके हैं। तो ये हमारा द्वितीयक क्षेत्र था। अब पिछले 20 सालों से, लास्ट 2 डिकेड से, हमारा जो टॉप पे चल रहा है वो सर्विस सेक्टर चल रहा है। तो सर्विस सेक्टर जो तृतीय क्षेत्र है वो आज की डेट में सबसे ज्यादा आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट को इनकम दे रहा है, या सबसे ज्यादा वही जो है बिजनेस कर रहा है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है वो आता है बैंकिंग और ट्रांसपोर्टेशन, फिर आपका आ जाता है साथ में इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के साथ साथ जितनी भी आपकी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, जैसे टीचिंग है, एडवोकेट्स हैं, सीए हैं, डॉक्टर्स हैं, मेडिकल फैसिलिटी है, वो सारा इसमें आ जाता है। तो आप देखेंगे आज के डेट में हमारा सबसे ज्यादा जो टॉप पे चल रहा है वो सर्विस सेक्टर चल रहा है, या हमारा फर्स्ट सेक्टर अच्छा है। सेकेंडरी सेक्टर का इस टाइम पे अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो ये डाउन है। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक कभी पीछे से प्लानिंग स्टार्ट की थी, मेड इन इंडिया। तो वो किस लिए किया था? वो इसलिए किया था कि आप, क्योंकि हम बनाने जो सर्विस तो हम दे रहे हैं अपने आप को, नेचुरल भी हमारा है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग है ना उसमें हम लोग बनाने के बजाय, खुद बनाने के बजाय बाहर से इंपोर्ट कर लेते हैं, बाहर से ज्यादा मंगवा रहे हैं, आयात कर लेते हैं कोई भी चीज। आज जैसे मान लीजिए फाइटर प्लेन है, हम लोग बनाते नहीं है, बाहर से ले आते हैं। बाकी टेक्नोलॉजी भी बाहर से आ जाती है, इंडिया में नहीं बनती है, वो बाहर से हमें लगता है कि ज्यादा चीप पड़ेंगी। तो उसमें अभी गवर्नमेंट ने ये नया जो है स्लोगन स्टार्ट किया है, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया है ये, सॉरी मेक इन इंडिया, भारत में ही बनाइए। तो अब इसके तहत गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है कि जितनी भी चीजें जो बाहर से आती थी, मोस्टली कोशिश की जा रही कि इंडिया के अंदर ही बने, हमें बाहर से परचेज ना करना पड़े। इंडिया में बनेंगी तो उसके 2 बेनिफिट्स हैं, एक इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग होगी तो यहाँ के लोगों को जॉब्स मिलेगी, दूसरा जो पैसा हम बाहर भेजते हैं विदेशों को, अपना पैसा डॉलर के रूप में कन्वर्ट करके, वो हमारा पैसा बाहर नहीं जाएगा, हमारा पैसा हमारे देश के अंदर रह जाएगा। और मनी और एम्प्लॉयमेंट बड़ा सिंपल सा है, किसी भी अर्थव्यवस्था की 2 मुख्य कड़ियां होती हैं, एक पैसा आपके, आपका जो रुपीज है उसकी डॉलर के मुकाबले क्या वैल्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना आप डॉलर बाहर, जितना रुपए आप बाहर भेजेंगे उतना डॉलर को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो आप कम से कम कीजिए, आप अपने देश में बनाइए ताकि अपना रुपया मजबूत रहे। दूसरा जो है एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी, जिसको आप बोलते हैं रोजगार अवसर या जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब ये क्या कहता है? ये कहता है भाई कोई चीज अगर इंडिया में बनेगी तो प्रोडक्शन होगा, मिल्स, फैक्ट्री यूनिट स्टार्ट होंगी, स्टार्ट होंगी तो यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा। कोई फैक्ट्री आपके एरिया में स्टार्ट होगी, हरियाणा के किसी एरिया में, जैसे मारुति गुड़गांव के अंदर है, तो हमें जॉब्स मिलेगी। कोई फैक्ट्री अगर कनाडा के अंदर अगर सेट होगी तो क्या हमें जॉब्स मिलेगी? अमेरिका के अंदर सेट होगी, जर्मनी के अंदर सेट होगी, ब्राजील, फ्रांस, रूस के अंदर सेट होगी, तो क्या हमें वहां जॉब्स मिलेगी? नहीं मिलेगी, हम वहां जॉब्स करने थोड़ी नहीं जा सकते, वहां तो वहां के लोग जॉब करेंगे। तो हमारे लिए बेटरमेंट क्या है कि हमारे देश की जो प्रोडक्शन है, मतलब जो भी चीजें हमें चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है हमारी सेकेंडरी क्षेत्र से संबंधित, वो हमारे देश में ही उसका प्रोडक्शन हो। हमारे देश में प्रोडक्शन होने से
पैसा बाहर नहीं जाएगा, वहां हमें अर्थव्यवस्था में बेनिफिट है और हमें नौकरियां मिलेंगी, वो हमें बेनिफिट है। तो ये यहाँ बताने की कोशिश आपके इस टॉपिक के द्वारा की गई है। तृतीय क्षेत्र का तो है ही, सेकंड क्षेत्र में भी अब हमें काम करना होगा। तो ये प्राथमिक क्षेत्र ब्लू कलर में दिखाया हुआ है, कितना परसेंट है? 40%। सेकेंडरी क्षेत्र आप देखिए 40 to 50 ओनली 10%। और या तीसरा जो क्षेत्र है वो ग्रीन कलर में जो है सर्विस सेक्टर दिखाया गया है वो है 50%। तो 50, 10, 40 यानी कि एक तरह से हम बात करें, अगर हम फर्स्ट सेक्टर की बात करें, सेकंड सेक्टर की बात करें और तीसरा सर्विस सेक्टर की बात करें, तो अकेला ये 50% है, फर्स्ट वाला 40% है और 10 वाला 10% है। यानी कि सेकेंडरी क्षेत्र का जो टोटल में जो भाग है, पार्ट है, दैट इज ओनली द 10%। ये गवर्नमेंट ने बढ़ाना है और इसी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है मेक इन इंडिया। गवर्नमेंट चाहता है कि ये 10% से बढ़े, 20 जाए, 30 जाए, तो वो उसके लिए ही सब चल रहा है और ये बहुत जरूरी भी है। हालांकि 2003-04 में आप देखेंगे 13-14 में थोड़ा सा ये बढ़ा है, प्राइमरी कम हुआ है, लेकिन सर्विस बहुत ज्यादा चला गया आगे। 50% से अब सर्विस सेक्टर की आप बात करें तो 70% हो गया है, ये अब 70 हो गया है। और 20% के अराउंड ये हो गया है, ये 10% रहता है। अब तो इसको और इंक्रीज करना है, लेकिन इसको भी डाउन नहीं जाने देना है, ये भी हमें इसके अंदर भी काम करना होगा। लेकिन ये आप देखेंगे कि सबसे बेटर हमारा, चाहे वो हमारे पास डाटा 1973-74 का हो, चाहे ये हमारे पास 2013 और 14 का हो, तो ये 40-40 ईयर्स का अगर हम लोग कंपेयर करें, 40 साल का, यानी अब 40 साल पहले क्या था और अब 40 ईयर्स बाद क्या है, तो सर्विस सेक्टर दोनों में अभी भी टॉप पे चल रहा है, थर्ड सेक्टर, और फर्स्ट और सेकंड में हमारा अप डाउन है। ये यहां आपको बताने की कोशिश इस चैप्टर में की जा रही है। रोजगारों में हिस्सेदारी आप बात करें, सबसे ज्यादा रोजगार अगर 1973 की हम बात करते हैं, 77-78 की, तो 71% इंप्लॉयमेंट मिलता था पहले प्राइमरी सेक्टर से, यानी कि कृषि से और पशुपालन से। सेकंड से हमें मिलता था 11%, और तीसरा हमें मिलता था, बाकी हमें 18% हमें मिलता था सर्विस सेक्टर से या तीसरे सेक्टर से। अब जो प्राइमरी का हिस्सा है 2017-18 में, वो कम हो गया है, 71 से 44 हो गया है। ये 71 था और अब हो गया 44%। हम बात कर रहे हैं जॉब्स की, किसने कितना जॉब्स दे रखा है, हम बात कर रहे हैं ये फर्स्ट सेक्टर की। सेकंड सेक्टर की अगर हम लोग यहां बात करें, इस डाटा को देखें, तो 25%, 25%, और पहले ये कितना था, ये था पहले 11%। तो 11 से ये कितना हुआ है, 25। तो कह सकते हैं कि जो मेक इन इंडिया है, जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट चलाया है, वो कहीं ना कहीं वो सक्सेस हो रहा है, कामयाब हो रहा है, कि 11% से अब हमारी जॉब्स ज्यादा से ज्यादा हमें डबल से भी ज्यादा हो गई है, 25%। ऐसे थर्ड सेक्टर को अगर हम लोग देखें, तो थर्ड सेक्टर हमारा 18% जॉब्स दे रहा था, इट वाज प्रोवाइडिंग 18%, नाउ इट इज द अराउंड 31%। तो ये हमारा थर्ड सेक्टर है, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। तो ये तीन चीजें मैंने आपको यहाँ बताई हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका चैप्टर नंबर 2। अधिकांश लोग कहाँ नियोजित है ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये डाटा आपका इसी का है। 1977-78 में अधिकांश लोग कहाँ थे, प्राइमरी सेक्टर में, सॉरी 71 प्राइमरी सेक्टर में, अब भी वही है 2017-18 में वही है, लेकिन वो परसेंटेज कम हुआ है। सबसे कम कहाँ थे, सेकंड सेक्टर में, सेकेंडरी में, और अब भी सबसे कम कहाँ है, सेकेंडरी सेक्टर में। तो ये आपसे अगर क्वेश्चंस इस बारे में पूछे जाते हैं, तो आप इस टेबल के थ्रू उनको बता सकते हैं। अब अलग बेरोजगारी क्या है, ये हम एक छोटा सा पॉइंट और करते हैं। अलग बेरोजगारी क्या है, अलग बेरोजगारी का ये है स्टूडेंट्स के
कुछ सेक्टर्स के अंदर ना पॉपुलेशन एक्स्ट्रा है, तो वहां अगर हम उनको नहीं भी रखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमें। जैसे मैं आपको एक फॉर एग्जांपल दे के बात करता हूँ, हम लोग बात करते हैं अलग बेरोजगारी की। ये 1 एकड़ जमीन है, मैक्सिमम यहाँ 5 लोग काम करेंगे तो अपना बेस्ट आउटपुट दे सकते हैं मैक्सिमम। अब अगर यहाँ 7 लोग काम करते हैं तो बेस्ट आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम 5 में आ चुका है। जो 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं वो अलग बेरोजगारी के अंदर आ सकते हैं। अगर आप उनको हटा भी देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्शन उतना ही होगा। अगर यहाँ 100 क्विंटल्स प्रोडक्शन हो रहा है तो वो यहाँ भी 100 क्विंटल्स ही हो रहा है, चाहे 5 बंदे हों चाहे 7 बंदे हों। तो ये हमारा यहाँ आता है कि जिन लोगों की हमें जरूरत नहीं है, जो रहे ना रहे उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो अलग बेरोजगारी के अंदर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा होगा, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि अतिरिक्त रोजगार का सृजन कैसे हो, यानी कि जो जो जॉब के अवसर हैं वो कैसे बढ़ाए जाएं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इस क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।